नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गरिमा पांडे है और मैं अपोलो सेज हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम बात करें कि स्ट्रोक एक इमरजेंसी क्यों है और स्ट्रोक होने के बाद हर एक बीते मिनट में 1.9 मिलियन न्यूरॉन्स डैमेज होते हैं और स्ट्रोक होने के बाद हर बीते घंटे में हमारी जो पेशेंट की जो उम्र होती है वो 3.6 ईयर से एक्सेलरेट हो जाती है। तो किसी को एक बार लकवा हुआ ऑलरेडी उसकी जो उम्र है 36 ईयर से एक्सेलरेट हो जाती है। मानिए कि अगर 50 साल का कोई व्यक्ति है जिसको लकवा हुआ है, उसकी उम्र लकवे के बाद 36 ईयर्स और एक्सेलरेट हो जाती है। तो एवरी सिंगल मिनट काउंट्स, टाइम इज ब्रीथिंग, इसलिए स्ट्रोक एक इमरजेंसी है और हमें उसको पहचान के समय ना वेस्ट करते हुए तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल आना है, क्योंकि स्ट्रोक का अगर हम इमरजेंसी जो विंडो पीरियड होता है वो 4.5 घंटे का होता है। मैं फिर से दोहराऊंगी, 4.5 घंटे का होता है। अगर उसकी ब्लॉकेज में, स्ट्रोक में अगर ब्लॉकेज है, धमनियों में ब्लॉकेज है, उसको उस खून के थक्के को हिलाने का इंजेक्शन होता है जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं। इस प्रक्रिया उसके द्वारा ब्लड वेसल्स में पुनः रक्त प्रवाह स्थापित किया जा सकता है और लकवा काफी हद तक रिवर्सिबल होता है और ये एक मिराकुलस इम्प्रूवमेंट पेशेंट में देखने को मिलता है।